मेरे छोटे भाई जिसको आप गब्बर के नाम से जानते हो, गोरेगांव जोगेश्वरी ओशिवरा ये परिसर में एक युवा नेता जो आपके बीच में का, आज आप सब लोग जोगेश्वरी वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से एक उन्होंने संस्था बनाई। मेरे भाई ने गब्बर ने यहाँ पर महानगर पालिका में अपना चुनाव लड़ा, आप सभी लोगों ने बहुत भारी वोट उनको दिए। मैं आने वाले समय में यहाँ पर वो अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेता है, यहाँ पर उन्होंने क्रिकेट की टीम बनाई है, यहाँ पर बहुत से यंग बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उनके टीम के पार्टिसिपेंट हैं, यहाँ पर सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, यहाँ पर गरीबों की सेवा करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्य वो करते हैं। मैं ट्रेड यूनियन लीडर हूँ, पत्रकार हूँ, और हम ऐसे मेरे भाई को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं गब्बर मजर और उसकी पूरी टीम के साथ में हमेशा रहूँगा। महाराष्ट्र में लगभग 5-5.5 लाख वर्करों का मैं नेतृत्व करता हूँ। वो सभी 5-5.5 लाख वर्कर्स की तरफ से आने वाले मजर के करियर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उसकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ। आज जो ये गर्दी यहाँ पर आप देख रहे हो, वो लगातार 5-10 साल से मजर इस परिसर में बहुत मेहनत कर रहा है, लोगों के हित के लिए एक अच्छी लड़ाई लड़ रहा है। मैं उसके आगे के भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये कोई भाषण का कार्यक्रम नहीं है, आप लोगों को डांस देखना है। मैं कहाँ से बीच में आ गया ऐसे आप सोचते होंगे। मैं जो भी कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। मैं गब्बर और उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त गब्बर के पीछे और उसकी टीम के पीछे पूरी तरीके से खड़े रहूँगा। यहाँ के जोगेश्वरी परिसर के सभी लोकप्रिय नेता, चाहे वो राजोल पटेल हो, पेंडेकर जी हो, हमारे गजानन कीर्तिकर जी हो, सभी पक्ष के लोग गब्बर के पीछे हैं, क्योंकि वो अच्छा कार्य करता है, मुस्लिम समाज का एक अच्छा नेता है। उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं।